सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज का राशिफल। जानेंगे कि आज एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ज्योतिष के आधार पर शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल कैसा रह सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे राशिफल से, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। सुप्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से एवं मार्केट टाइम्स टीवी के सही प्रयासों से ये शो आप तक पहुंचाया जा रहा है आज 18 जनवरी सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रोजींस में संभावित गतिविधियां, शेयर बाजार के अंदर क्या होगा और नॉन एग्रो के अंदर क्या हलचल रह सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आप नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व 3 राशियां मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन संभवतः मुखेद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में रखनी है आपको अतिरिक्त सावधानी। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है, एक कदम आगे एक कदम पीछे की स्थिति रह सकती है, डायलेमा या कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है। 3 से 4 बजे के बीच में रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं, दिन आपके लिए अच्छा है, मुफीद है, शानदार है, लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यानी 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं, 1 से 2 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, तो ये तो हमने कर्नल अजय जी से जाना था आज का राशिफल कैसा रह सकता है, किन राशियों में आज मुनाफे की स्थिति है और किन राशियों को आज किस समय पर बचकर चलना है ट्रेडिंग से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कम्युनिटी बाजार की। कर्नल अजय जी, बात करें अगर कम्युनिटी बाजार की, और कम्युनिटी बाजार में भी अगर एग्री कम्युनिटीज की बात की जाए, तो हम देख रहे हैं कि मसालों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है किन मसालों में आज कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? मसाला पैक के अंदर आपको याद होगा जब हम लगातार मसाला पैक के ऊपर नजर रखने के लिए आपको आगाह कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, और ये भी हमारा मानना है कि सन 2022 मसाला पैक को यदि डेडिकेटेड कर दिया जाए तो इसमें कोई विशेष अतिशोक्ति नहीं होगी। मसाला एक ऐसा एग्रो कमोडिटीज है जो बढ़ने के ऊपर भी सब लोगों की नजर नहीं जाती, क्योंकि आप धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, ये अगर आप मसाला है, इसकी बहुत कम क्वांटिटी प्रत्येक घर में लगती है और उसके रेट बढ़ते भी जाते हैं तो भी उसका ध्यान आकर्षित आम लोगों को नहीं होता है। यही वजह है कि इसके अंदर काफी उतार चढ़ाव के बाद में भी ये सुर्खियों में नहीं आता। आपको याद होगा लाल मिर्च के ऊपर हमने एक अपडेट दिया था दिवाली के आसपास, जब बाजारों के अंदर तेज गिरावट थी तब हमने लाल मिर्च को खरीदने की सलाह दी थी और जबरदस्त तेजी रही। अब मुझे लगता है कि लाल मिर्च के अंदर पुनः तेजी का वक्त आ गया है, उसके अंदर तेजी बन सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो मसाला है वो है धनिया। धनिया के अंदर लगभग 30 से 35% की बड़ी उछाल पिछले 1.5 से 2 महीने में आ चुकी है, और जिन कारोबारियों ने, किसानों ने इन शो पर हमारी बात सुनकर माल रोका था, आज वो बहुत अच्छे मुनाफे पर हैं। धनिया के अंदर अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय के अंदर 1 से 1.5 महीने में क्या धनिया बहुत तेजी से नीचे गिरेगा,
क्योंकि तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी की परिपाटी है। क्या ऐसा होगा इसके ऊपर हमारा एक विशेष शो हम कोशिश करेंगे लाने की। जीरे के धनिये के बाद जीरा, जैसे जीरे पर हमने बात कही कि जीरा गुजरात का जो प्रमुख कृषि फसल है जीरा, वहां पर से जो लगातार सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक जीरे की बिजाई इस साल कम है, और इसका प्रभाव ये भी है कि यही वजह है कि जीरे के अंदर एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसका अनुमान आकलन हमने आपको पहले भी दिया था। लेकिन जीरा क्या तेजी के बाद गिरावट देगा? याद रखिएगा, अभी आप सरसों की तरफ देखें, सोयाबीन की तरफ देखें, इनके अंदर दाग पिछले एक साल में डबल हो रहे थे, तो क्या डिमांड डबल हो जाती है? क्या उत्पादन आधा होना हो जाता है उसके बाद ही डबल होता है? सोयाबीन और सरसों जैसी बड़ी फसलें उत्पादन अधिक होते हुए भी उसके भाव डबल हो गए थे, तो उत्पादन ही एक मात्र तेजी या मंदी को आंकने या परखने का साधन नहीं होता, कभी नहीं होता। और ये डिमांड एंड सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो अक्सर रिजल्ट कुछ अलग ही आते हैं, और इसका जबरदस्त विश्लेषण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस को सही प्रयासों से जब किया जाता है तो एक अद्भुत रिजल्ट निकल के आते हैं जो चमत्कृत कर देते हैं। जो हम लगातार आपको बात करते हैं कॉटन के ऊपर, कॉटन कपास खली के ऊपर, मसाला पैक के ऊपर, ऑयल सीड्स के ऊपर या तिलहन पर, एक और मैं विशेष जानकारी विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। इस साल मक्का यानी मेज के अंदर उसके दामों के अंदर भी अच्छी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो मक्का के जो खिलाड़ी हैं, मक्का के जो किसान हैं, कारोबारी हैं, इनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया और पहले से ही बताते आ रहे हैं कि मसालों पर नजरें टिका रहे रखें, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मसालों में आगे जाके तेजी आएगी, वो हमने तेजी अब आते हुए भी देख रहे हैं, पहले भी तेजी बनते हुए देखी थी। कर्नल अजय जी लगातार आपको अग्रिम भविष्यवाणी दे देते हैं कि जिस भी कृषि फसल में तेजी बनने वाली होती है, लेकिन अब यहाँ से तेजी के बाद मंदी आएगी या बाजार तेजी की ओर ही जाता रहेगा, उसमें भी आपको पहले ही अग्रिम भविष्यवाणी कर्नल अजय जी द्वारा दे दी जाएगी, और कोशिश करेंगे उसका नया एपिसोड जल्दी से जल्द लाने के भी। यहीं से कर्नल अजय जी बात करें अगर प्याज की, तो प्याज में आपको क्या लगता है? क्योंकि प्याज में हमने देखा था साल 2021 में जब आपने बताया था कि तेजी आएगी प्याज में, तो हमने तेजी आते हुए भी देखी थी, फिर आपने मंदी की भी अग्रिम भविष्यवाणी करी थी कि प्याज में अब गिरावट आने वाली है, जिसका लाभ काफ़ी सारे दर्शकों ने उठाया भी था, मंदी में संभले भी थे और तेजी में लाभ भी उठाया था आपकी अग्रिम भविष्यवाणी से। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, प्याज का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, प्याज के जो कारोबारी हैं और किसान हैं, खासकर महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उत्पादन और जो प्याज के ऊपर जो गतिविधि है वो महाराष्ट्र में है। यद्यपि दक्षिण भारत में भी इसकी प्याज की पैदावार बहुत अच्छी होती है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो प्याज है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। प्याज के अंदर मुझे अब बड़ी तेजी की संभावना कम नजर आती है, प्याज के अंदर बचना चाहिए। यदि किसानों के पास माल है तो उसको बेचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्याज के अंदर एक अब बड़ी तेजी की संभावना है। प्याज के अंदर कभी भी कमजोरी बन सकती है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि प्याज में उनके मुताबिक यहाँ से अब तेजी की संभावना नहीं बन रही है, गिरावट की संभावना है, तो कर्नल अजय जी के मुताबिक अभी प्याज में जो ऊपरी स्तर मिले उस पर अपने माल को निकाल देना ही ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। यहीं से कर्नल अजय जी बात करें अगर और आगे बढ़े नॉन एग्री कम्युनिटीज की तरफ, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में काफ़ी ज़्यादा उठा पटक का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस दिन कोरोना के केसेस ज़्यादा रहते हैं, डॉलर में मंदी रहती है, सोने चांदी में देखते हैं कि ज़्यादा तेजी बन जाती है। जिस दिन केसेस कम रहते हैं, डॉलर में तेजी रहती है, तो देखते हैं कि सोने चांदी में गिरावट बन जाती है। एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी, काफ़ी ज़्यादा उठापटक का माहौल है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब सोने चांदी में आगे बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, इस साल यदि हम देखें तो गोल्ड का बहुत बड़ा इम्पोर्ट और गोल्ड जो है नॉन प्रोडक्टिव कमोडिटी है, क्योंकि गोल्ड का
जीडीपी के बढ़ोतरी या विकास में कोई खास रोल होता नहीं है। तो गोल्ड के का बड़ा इंपोर्ट भी एक चिंता का सबब है, क्योंकि भारत को एक बड़ी विदेशी मुद्रा इसमें खर्च करनी पड़ती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बिगड़ता है। यदि हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं या मशीन खरीदते हैं या कोई दूसरी वस्तुएं खरीदते हैं, उससे हमारे देश के विकास में मदद मिलती है। हमारा जो देश भारतवर्ष है उसके अंदर तीन महत्वपूर्ण आइटम हैं जो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। सबसे पहला क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल की हम सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हैं। इसके अतिरिक्त डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हमारी जरूरत है उसके भी हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। और तीसरा होता है गोल्ड। तो हम तेल और डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर काबू नहीं कर सकते, लेकिन गोल्ड को जरूर काबू कर सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होता और हमारे को हमारी विदेशी मुद्रा जाया होती है। गोल्ड को यदि हम देखें तो तीन चार इसके अंदर पॉइंट्स हमें हमेशा नजर आने पड़ते हैं। एक तो भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग दो सप्ताह का निचला स्तर भारतीय करेंसी अमेरिकी डॉलर के बरखिलाफ दिखाई दे रही है, इससे भी गोल्ड को बल मिलता है भारत में। दूसरा महत्वपूर्ण ये होता है कि गोल्ड जो है वॉलेटिलिटी जब भी बढ़ती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनती है, विभिन्न देशों के बीच में तकरार या कुछ हिंसा होती है, तो उसका सीधा असर गोल्ड पर पड़ता है और निवेशक गोल्ड में तेजी की तरफ दौड़ते हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो याद रखिए डिमोनेटाइजेशन के टाइम में भी गोल्ड आकाश छूने लगा था, क्योंकि लोगों ने गोल्ड में निवेश कर दिया था। तो जहां तक आज मुझे लगता है गोल्ड के अंदर जो 1816 डॉलर के आसपास जो गोल्ड चलता है 1816 यानी 1816, यहां पर कोई बड़ी तेजी मुझे नजर नहीं आती है, लेकिन भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के बरखिलाफ कमजोरी दिखा रहा है, इसका असर भी पड़ सकता है। लेकिन गोल्ड के अंदर यानी सोने के अंदर आने वाले एक या दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, करेंसीज हो या फिर एग्रोजीन्स, इन सभी की विश्लेषण हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस और एस्ट्रोटेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक एवं अपने सलाहकार से अवश्य राय कर लें। किसी भी प्रकार की लाभहानि नफा नुकसान की जिम्मेदारी चैनल या एनालिसिस या मेरी नहीं होगी। दोस्तों याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स बहुत जरूरी है और नियमों के तहत हमें देना पड़ता है, तो इसलिए विशेष ख्याल रखें जो भी कारोबारी हैं। और एक महत्वपूर्ण मैं एक बात और आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि व्यापार हमेशा क्षमताओं के मध्य रह के करना चाहिए। अपनी क्षमताओं से अधिक काम करना, ओवर लेवरेज करना, 3 से 10 गुना ज्यादा काम करना, अधिक लालच करना, ये इस कारोबार के लिए हमेशा हानिकारक होता है। जो क्षमताओं के आधार पर काम करते हैं, विश्लेषण कर काम करते हैं, समझ के काम करते हैं, वो इन बाजारों में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, अन्यथा नहीं। जी अखिलेश जी। जी कनल जी, ये से कनल जी बात करें अगर अब शेयर बाजार की, स्टॉक मार्केट की, तो आज शेयर बाजार कैसा रह सकता है ज्योतिष के आधार पर? कल आपको याद होगा अखिलेश जी, जब निफ्टी तेज दिखा रही थी, सेंसेक्स तेजी दिखा रहा था, तब हमने आपको कहा था कि ये तेजी मुझे स्थायी नजर नहीं आती है जी। एक बार कमजोरी की तरफ बाजार गिर सकता है। आज देखिए बाजारों में लगभग निफ्टी में 73 पॉइंट की गिरावट दर्ज है और सेंसेक्स में लगभग 200 पॉइंट की गिरावट दर्ज है, और आज मेटल सीमेंट स्टॉक्स कमजोरी दिखा रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं, यदि आपके पास अच्छा विश्लेषण है, फाइनेंशियल स्टेटस यानी कैपेसिटी अच्छी है, तो जब बाजारों में नीचे माल मिलता है तो उस वक्त खरीदना चाहिए। यदि आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, 20-20 करके 3 या 4 बार खरीदें, और जब ऊंचा मिलता है, बाजार ऊंचा जाता है, उस वक्त धीरे धीरे निकालें। ये तिजारत या व्यापार का एक बहुत पुराना और सक्सेसफुल कारगर तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी सीमेंट स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स हैं, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं, ये सभी अभी थोड़े से
गिरावट की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो ये खरीदने का समय है, ये लोड करने का समय है जी। यदि 100 शेयर खरीदना चाहते हैं 10-10, 20-20 शेयर करके खरीदिए 3 या 4 बार में, और आने वाले तकरीबन 3 से 5 दिन के अंदर जब बाजार ऊपर चढ़ेगा उस वक्त आप इसको आराम से बेचें। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तेजी में तेजी और मंदी में मंदी करने वाले, चाहे मार्केट विशेषज्ञ हों, चाहे कारोबारी हों, चाहे इन्वेस्टर हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे स्पेकुलेटर्स हों, डे जॉबर्स हों, वो नुकसान ही खाएंगे, इसमें कोई दो राय और कोई शक नहीं है। मंदी में समझ के लेने वाले, तेजी में बेचने वाले हमेशा लाभ कमाएंगे, यही व्यापार का दस्तूर है। जी अखिलेश जी। जी कन्हन जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।